के बारे में डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 21 नवंबर 2023 से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 21 नवंबर 2023 से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन की बात करें तो 20 दिसंबर 2023 इसके लिए लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। फीस पेमेंट के लिए उसी दिन सेम डेट को ही 20 दिसंबर 2023 को ही लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर के, तो ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग एग्जाम आयोजित होगा। जैसे ही कोई फिक्स डेट आएगी उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना करके उसके लिए भी आपको जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। और जैसे ही कोई फिक्स डेट आता है वैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, उसके लिए भी हम आपको नोटिफाई करेंगे। इसके अलावा दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं DSSSB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट के एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल, OBC और EWS के लिए कुल 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 100 रुपये का शुल्क देना होगा जनरल कैटेगरी वालों को, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और इकोनॉमिकल वीक सेक्शंस के लिए। और अदर स्टेट्स के लिए भी 100 रुपये का ही शुल्क निर्धारित किया गया है। SC ST कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए कोई भी शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। साथ ही साथ किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाली महिला कैंडिडेट्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अर्थात DSSSB, दिल्ली DSSSB स्पेशल टीचर से लेकर के वार्डन एंड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023। जी हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अर्थात DSSSB द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न पदों की वैकेंसी रिलेटेड जानकारी के बारे में, जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट डेट से लेकर के संपूर्ण डिस्कशन कराना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन और पदों के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं एज लिमिट की। तो आयु की गणना के बारे में अगर डिस्कस करें तो DSSSB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 से रिलेटेड नोटिफिकेशन में जो आयु सीमा की गणना की जा रही है, अलग अलग पदों पर अलग अलग आयु सीमा है, जहां 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी के लिए एज निर्धारित की गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको DSSSB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 के अकॉर्डिंग ही आयु में छूट प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं विभिन्न पदों पर क्या क्या क्वालिफिकेशंस लगेगा, कौन कौन से पद हैं, यानी पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, टोटल पोस्ट और अलग अलग वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे DSSSB एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 रिक्रूटमेंट 2023 के टोटल वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। कुल 863 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है स्पेशल एजुकेशन टीचर। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के बारे में डिस्कस कर लें तो इसका पोस्ट कोड है 91/2023। पोस्ट, टोटल पोस्ट की संख्या की बात करें तो इसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए 22 पद निर्धारित किए गए हैं। क्वालिफिकेशन के रिलेटेड जानकारी शेयर कर दें आप लोगों को तो DSSB एलिजिबिलिटी फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 वेरियस पोस्ट के बारे में, बैचलर डिग्री विद BEd स्पेशल, स्पेशल BEd आपके पास होना चाहिए, BEd विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन से, और 6 to 8 तक के लिए आप CTET पास होने चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मैक्सिमम आपकी उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर आप 30 वर्ष पास हैं, 30 वर्ष से ऊपर हैं, तो आपको एज लिमिट में जो छूट दी जा रही है उसके कैटेगरी में हिसाब से देखना पड़ेगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। वार्डर के लिए बात कर लेते हैं तो रिजर्व फॉर मेल ओनली, ध्यान रखेंगे वार्डर का पद जो है वो रिजर्व फॉर मेल ओनली, सिर्फ पुरुष वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए अवेल हैं, जिसमें आपका 113/23 ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया, 271 पदों की टोटल संख्या है। इसमें 12th पास वाले यानी इंटरमीडिएट पास वाले अप्लाई कर सकते हैं।